बनाने वाले हैं मुंबई स्टाइल में भेल पूड़ी। ये है, यहाँ पे हमने ले रखे हैं 2 उबले हुए आलू और एक भगोने में ले रखा है मुरमुरे यानी कि लाई। आप यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। डाल देंगे इसमें से ज़रा से भुने हुए चने और डाल देंगे ये शेंगदाना, मूंगफली। ये जो आलू रहता है इसकी वजह से जो पूरा स्वाद रहता है बहुत ही अलग हो जाता है। नमकीन है चने दाल की, एक प्याज है और 3-4 है इसमें हरी मिर्ची। मिर्ची की क्वांटिटी और आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। जरा से डाल देंगे ये सेव बेसन की, अगर आपके पास हल्दीराम की भुजिया है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें डाल देंगे जरा से ये ग्रीन चटनी और रेड चटनी, बारीक कटे हुए टमाटर और डाल देंगे यहाँ पे जरा से चाट मसाला। यहाँ पे हम नमक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो नमकीन डाली थी ना उसमें नमक पहले से था, और अगर आप चाहते हैं अपने स्वाद अनुसार तो नमक डाल सकते हैं। डाल देंगे जरा से हरी धनिया, लेमन, और इसको हाथ की सहायता से अच्छे से इसको मींज लेंगे। जो आलू रहेगा वो पूरे भेल में जिससे कि मिक्स हो जाए, और जो इसका स्वाद रहता है मेन आलू का ही रहता है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो कमेंट करिएगा, और अगर ट्राई नहीं किया है तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको पसंद है तो इसमें लाल मीठी चटनी का भी प्रयोग करिएगा, और अच्छे से इसको हम हाथ की सहायता से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, ज़रा से मूंगफली, ज़रा से चना और ज़रा से जो नमकीन थी इसको ऊपर से डाल देंगे, और ये पूरी तरह से खाने के लिए रेडी हो चुका है। आप खाते वक्त इसमें ज़रा से ऊपर से हरी धनिया और काट के डाल सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके बताइएगा, और एक बार